आज का विषय है धर्म और जो मत और मतांतर है, जो जिसको रिलीजियन कहते हैं, फेथ, पूजा पद्धति, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी धर्म क्या है और धर्म के जो अलग अलग आयाम है, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा की थी। आज हम उसी धर्म के कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे जो हम करते हैं धर्म के नाम पर, जो भी करते हैं हम पूजा पाठ, मंदिर जाना, जप तप, तिलक लगाना, माला लगाना, किसी पर्टिकुलर नदी में नहाना, कुछ पर्टिकुलर चीजों को भरोसा करना, घर में अलग अलग तरह के रिचुअल्स करना, जिसे हम रिलीजियन के नाम पर जानते हैं, तो वो रिलीजियन क्या चीज है, उसका धर्म के साथ क्या वही धर्म है या धर्म से ये अलग चीज है, इनके आपस में क्या कनेक्शन है, इनको जानने की कोशिश करेंगे। धर्म और रिलीजियन, जिसका सामान्य अनुवाद करें हिंदी में पंथ, मत या मतांतर या विश्वास पद्धति, एक पर्टिकुलर चीजों के प्रति जो आस्था है, उसे हम रिलीजियन कहते हैं। लूजली सामान्य लोग धर्म को ही रिलीजियन कहते हैं, इसीलिए आज का ये टॉपिक है। दोनों, रिलीजियन और धर्म, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। उनकी कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल अलग है, उनके पर्सपेक्टिव्स भी अलग है, तो दोनों अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक मिक्सचर हुआ है कुछ परसेंटेज तक, जिसके कारण हम रिलीजन और धर्म को एक जैसा देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम जानेंगे धर्म क्या है। तो लाइफ में जो भी एथिक्स है, जो राइटस कंडक्ट है, जो मोरलिटी है, वो सब कुछ, उसके लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो या कॉस्मिक लेवल पर हो, वो सब धर्म की पेरिफेरी में, धर्म के सीमा में वो आ जाते हैं। जैसे महाभारत का श्लोक है, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः, यस्या धारण संयुक्तम् सधर्म इति निश्चयः। हमारा वो व्यवहार जो हमें एज एन इंडिविजुअल, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को, और जहां तक हमारा कनेक्शन है तो ओवरऑल कॉस्मस को जो सस्टेन करने में हेल्प करता है, वो व्यवहार, वो चरित्र, वो आचरण धर्म है। रिलीजन क्या चीज है? जो रिलीजन की दो मुख्य चीजें हैं कि आप कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, और जो पूजा पाठ जो भी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, वो पूजा पाठ घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, या अपने अपने पूजा घर में, चर्च, मस्जिद, मंदिर, जहां भी, जिसको, शनिघर, जो जहां भी करता है, वो बेसिकली रिलीजन उस पर बेस्ड है। हर रिलीजन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो उसके आयाम होते हैं। पहली चीज है कल्चरल सेटिंग्स, उसकी जो ट्रेडिशंस, उसकी जो कॉस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, थियोलॉजी और थियोलॉजिकली टेक्स्ट। तो इनको थोड़ा समझते हैं। जो संस्कृति है उसको भी हम धर्म के नाम पर लेते हैं। एक पर्टिकुलर देश में या भूभाग में, एक ज्योग्राफिकल पार्ट में, जिस तरह के लोगों का हाव भाव है, व्यवहार है, वहां के जिस तरह की संस्कृति है, वो भी रिलीजियन में आपको झलकता हुआ दिखेगा। लोग एक प्रॉपर वे में कपड़े पहनते हैं,
और ये आशा की जाती है कि लोग उसी एक पर्टिकुलर वे में कपड़े पहने। अगर आप पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कपड़ों के साथ पूजा पद्धति का क्या रिलेशनशिप है? कुछ होना नहीं चाहिए, पर इसीलिए कि मान लीजिए कोई धर्म अरब से निकला है, तो अरब एक सूखा रेगिस्तानी एरिया है, वहां जिस तरह के पुरुष और स्त्री कपड़े पहनते थे, वो हजारों सालों के बाद भी वही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उस रिलीजियन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो रिलीजियन अरब की या मिडिल ईस्ट से पैदा हुआ है, वो उसी तरह के ड्रेसेस या कपड़े पहनेगा, तब वो उसकी रिलीजियस साइन पता चलेगा। कोई भारत में कोई रिलीजियन पैदा हुआ है तो वो भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर ट्राइब का ड्रेसेस पहनेंगे, तभी आप उस रिलीजियन को बिलोंग करते हुए जाने जाओगे। और वहां की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल उस पर्टिकुलर भूभाग में जो जैसा बनाया गया, उसको भी रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। नंबर टू, ट्रेडिशंस, जो वहां की परंपराएं, बाप दादा परदादा से जो चलता आ रहा है, उसको भी लोग रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। करने पर पुण्य है, न करने पर पाप है, और इस तरह का प्रचार चलता है। एक बार किसी के घर में किसी के पिताजी का डेथ हुआ, और वो हर साल उनके मृत्यु वार्षिक पर श्राद्ध करते थे। पुरोहित जी आते थे और श्राद्ध करते थे, तो उनके घर में एक बिल्ली थी, तो श्राद्ध के लिए जो भी खाना बनाया जाता था, वो कभी कभी बिल्ली परेशान करती थी, मुंह लगा देती थी। तो साल में एक ही बार पूजा करते होंगे कोई ऐसा, तो वो बिल्ली को एक टोकरी से ढक देते थे। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति का भी देहांत हुआ, डेथ हुआ। अब उस व्यक्ति का जो बेटा है, अब उसका काम है कि वो अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करे। पर इन बिटवीन इन दिनों वो पुरोहित भी बदल गए, तो दूसरे पुरोहित जी के पास गए और उनसे उन्होंने लिस्ट मांगी जो भी सामान चाहिए। तो जो लिस्ट उन्होंने दी, उसमें जब यजमान ने पढ़ा, उसमें एक चीज मिस थी, और वो ये था कि इसमें बिल्ली तो और बिल्ली और टोकरी का कोई रेफरेंस नहीं है। तो उसने पंडित जी से पूछा, इसमें तो श्राद्ध की लिस्ट में तो आपने बिल्ली और टोकरी नहीं लिखी। पुरोहित जी दूसरे थे, पुराने वाले नहीं थे, उनको शौक हुआ, ये बिल्ली और टोकरी की क्या जरूरत है? बोले, कैसा पंडित हो, तुम्हें पता ही नहीं कि श्राद्ध में बिल्ली और टोकरी की भी जरूरत पड़ती है? पंडित जी तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, आजकल पंडित तो यही है, कुछ भी करवा लो, पैसा चाहिए। तो पंडित जी ने लिखवा दिया, ठीक है, बिल्ली और टोकरी लिया। घर में बिल्ली मर चुकी थी, पुरानी जो बिल्ली थी, तो साहब गांव में ढूंढ ढूंढ करके बिल्ली लाए, किसी के घर से टोकरी खरीद के लाए। श्राद्ध शुरू हुआ तो बिल्ली को टोकरी से ढका गया, फिर श्राद्ध कर्म शुरू हुआ। वो चलता गया और उस घर में 100 साल के बाद, 200 साल तक के बाद भी कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने जनरेशन चले गए, आज भी उस घर में जब भी किसी का श्राद्ध होता है तो बिल्ली को टोकरी से ढकी जाती है। बिल्ली नहीं है तो किराए पर लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो अधूरा है। यही है परंपरा। शुरू में कोई भी चीज किसी ने शुरू किया होता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन जरूर होता है, कोई कारण जरूर होता है। पर जब बाद में वो कारण न होने पर भी, कारण को जाने बिना हम उसी चीज को रिपीट करते हैं, वो रिचुअल्स बन जाते हैं, वो ट्रेडिशंस बन जाते हैं। अगर उसको कोई करना ना चाहे, कोई बच्चा उसके खिलाफ जाकर ना करे या कोई भी व्यक्ति ना करे, तो फैमिली से लेकर सोसाइटी तक रिवोल्ट करने लग जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, नास्तिक हो, पापी हो, नरक में जाओगे। तो ट्रेडिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिलीजन में, और खास करके ऐसी ट्रेडिशन
जिसके पीछे क्या बैकग्राउंड था जब ये शुरू हुआ था किसी को नहीं पता, जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ आवर ओन फैमिली और आवर विलेज और व्हाटएवर। इसी तरह दूसरी चीज एक कॉस्टम्स है, जो हमारी रीति रिवाजे हैं। खास तौर पर के आप देखेंगे शादियों में अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग तरह के कॉस्टम्स निभाते हैं, और वो अकड़ के बैठते हैं कि इसको ना करो तो ये हानि होगा, ये नुकसान होगा। तो ये जो रीति रिवाज भी रिलीजियन का पार्ट बन जाता है। खान पान भी, इवन खान पान भी आप देखेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट्स में, मान लीजिए आप साउथ इंडिया से है, आप अगर भोग चढ़ाना हो मंदिर में जा करके, आपके वहां जो पर्टिकुलर चीजें बनता है आप वही चढ़ाते हो। पर आप अगर नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीम नॉर्थ जाओगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल वगैरह, हो सकता है वहां रोटी चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, वो रेवड़ी चढ़ाते हैं। आप ईस्ट इंडिया जाओगे वहां चावल सब्जी वगैरह चढ़ाते हैं, सब जगह अलग अलग है। और अगर आप पर्टिकुलर स्टेट्स के बिलोंग करते हो, वहां के आपने वहां जो भी पूजा पद्धति है उसके खिलाफ आपने और कुछ चढ़ा दिया खाने में, तो वो सब लोग कहेंगे देखो ये तो बिगड़ गया। मुझे समझ नहीं आता है एक पर्टिकुलर स्टेट्स में भगवान क्यों रोटी चावल ही खाएंगे, क्यों नहीं पिज्जा बर्गर खा सकते हैं अगर वेजिटेरियन हो तो, क्यों एक पर्टिकुलर स्टेट में चावल रसम सांबर ही खाएंगे, रोटी और नान नहीं खा सकते। क्योंकि ये रिलीजन की पार्ट है, जो भी उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो कुछ भी खान पान रहन सहन होता है वो सब उस वहां के पूजा पद्धति रिलीजन के साथ भी जुड़ जाता है। तो इसी तरह जो प्रैक्टिसेस होते हैं और थियोलॉजी, उसको धीरे 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 उसके लिए फिर किताबें बना दी जाती है, जिसको शास्त्र का नाम दिया जाता है। पता नहीं उस शास्त्र का राइटर कौन था, कैसा था, फिर वो उस रिलीजन का टेक्स्ट बुक के तरह यूज होने लगता है, थियोलॉजिकल टेक्स्ट बनने लग जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आजकल आप देखेंगे, जब से ये कोरोना वायरस चला तो बहुत सारे सोशल मीडिया में काफी सारे श्लोक शेयर होते रहते हैं, और वो श्लोक को ये उसमें ये दावा किया जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर पुराण में है, और उसमें देखो कोरोना वायरस के बारे में लिखा गया है, ये करने पर कोरोना वायरस होता है तो लिखा गया, और देखो हजारों साल पुराना ये है, हमें पता था कि होने वाला है। और यकीन मानिए लाखों करोड़ों लोग इसको मानते हैं, और ये झूठ है, ये फरेब है, किसी पंडित जी ने संस्कृत पढ़ा हुआ ठगने के लिए ऐसा श्लोक लिखा। लिखने में कोई हर्ज नहीं, उसको किसी पुराण के नाम पर प्रचार किया या किसी ने प्रचार करवाया और लोग मानने लग गए, देखो ये पुराण में लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो नई नई परंपराएं बनती हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी भाषा में लिख डालते हैं ऐसे किताब, ऐसा ग्रंथ, ऐसा स्तोत्र, फिर धीरे धीरे वो चलने लग जाता है और वो उस थियोलॉजिकल टेक्स्ट के रूप में फिर जाना जाने लगता है। रिलीजन का और एक एस्पेक्ट होता है नेटवर्क ऑफ मिथ्स, सिंबल्स, concepts that simultaneously figure patterns of feeling, thinking and acting. ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी रिलीजन का, और वो होता है myths, symbols and concepts. आपको उस रिलीजन को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर मिथ को गढ़ना पड़ता है या गढ़ा हुआ होता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर मॉडर्न रिलीजन में आप देखेंगे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उस माइथोलॉजिकल स्टोरीज में थोड़ा बहुत हिस्सा सच भी होता है, सच भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ हिस्सा बड़े इमेजिनरी होते हैं, जिसका कोई लॉजिकली रैशनली उस स्टोरी का कोई सेंस नहीं बनता। पर जो रिलीजियस है दे हैव टू बिलीव द स्टोरी, उनको ये मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जिसको हम भगवान मानते हैं वो किसी वर्जिन लेडी से पैदा हुआ और उसने ऐसे अनेक बीमार जो मरने के स्टेज पर ऐसे लोगों को अपनी चमत्कार से जिंदा किया,
ये मानना पड़ेगा कि उस स्टोरी की, उस माइथोलॉजी को, कि उसने 6 रोटियों से 6,000 लोगों को पेट भरा। आपको ये मानना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर देवता है जहां से, जिनके देवी हैं, जिन्होंने नहा करके मैला साफ किया, वो मैले से एक एक उनका बच्चा पैदा हुआ जो आगे जाकर वो भी भगवान बन गए। आपको ये ऐसे हजारों लाखों जो इमेजिनरी स्टोरीज हैं जिसको बच्चे एंटरटेन के लिए करना चाहिए, उसको आपको मानना पड़ता है इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। और उसके हिसाब से फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स फिर बना दिए जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है जो रिलीजन का, कि कोई भी रिलीजियस जो फेथ है वो स्टोरीज पर डेफिनेटली बेस करता है। और वो स्टोरीज दो तरह के होंगे, हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल। जिन कथाओं के आधार पर रिलीजियस बिल्डिंग खड़ा होता है, वो कथा बेसिकली दो तरह का मिलता है। कुछ हिस्टोरिकल होते हैं जिसको थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्ति के साथ बता दिया जाता है, एग्जैजरेट करके, और मोस्ट ऑफ जो स्टोरीज होते हैं वो माइथोलॉजिकल होते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि एक हिस्टोरिकल पर्सन है, इनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, पर आप अगर महात्मा बुद्ध की स्टोरीज पढ़ेंगे, जितने भी बौद्ध मत में प्रचारित स्टोरीज हैं, तो उसमें बुद्ध के रियल स्टोरी का अंश तो मुश्किल से 1-2% होगा जो हिस्टोरिकली फैक्चुअल है। बाकी 90% मोर देन 90% जो जातक कथाएं और जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां, बुद्ध की चमत्कार कथाएं, ये माइथोलॉजिकल है। इसी तरह हर रिलीजन में, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जुदाइजम हो, और हमारा हिंदू धर्म में भी, जो मॉडर्न हिंदुइज्म, ध्यान रखिए बॉटम लाइन है, जो मॉडर्न हिंदुइज्म है उसका ज्यादातर जो पिलर है वो पुराण है, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र नहीं है, श्रौत शास्त्र, गृह सूत्र नहीं है, दर्शन शास्त्र नहीं है। मॉडर्न हिंदुइज्म का मोस्ट ऑफ जो पिलर्स हैं वो पुराण है और पुराण की कहानियां हैं। जिस भी हिंदू को देखो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, गांव का हो, शहर का हो, वो उन पौराणिक कथाओं, अब पौराणिक कथाएं क्या, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं, उन स्टोरीज के आधार पर ही हमारी पूजा पद्धति, बिलीफ सिस्टम, कंसेप्ट बनाए गए हैं। पर इसके अलावा भी हिस्टोरिकल स्टोरीज भी है, जैसे महाभारत और रामायण, ये दोनों हिस्टोरिकल स्टोरीज है। इसके बेस पर भी हम एक रिलीजियस बिल्डिंग तैयार करते हैं। रिलीजन का और एक इंटरेस्टिंग जो चीज है जो रिलीजन को टिकाए रखने में हेल्प करता है, जिसके बिना ये जो फेथ है, जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, वो सर्वाइव करना मुश्किल है, वो है फियर एंड फेथ, हेवन एंड हेल। डर, धर्म में जिसकी चर्चा हम लास्ट एपिसोड में किया था, वो चरित्र का विषय है, अपने आप को अच्छा बनाने का, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का। परमात्मा से लेकर के कीड़े मकोड़े तक आपका व्यवहार कैसा है, खुद के साथ कैसा व्यवहार है, वो धर्म था। रिलीजियस एक्टिविटीज में फियर एंड फेथ, डर और आस्था, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो सत्य को मानना, एक्सेप्ट करना, ये श्रद्धा है। श्रत अर्थ सत्यम, तथाति इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करता है या जिसके द्वारा, जिसके बेस पर सत्य धारण की जाती है, वो श्रद्धा है। आजकल लोग रिलीजियस चीजों को भी श्रद्धा बता देते हैं, वो ना समझी के कारण। आपकी मां बाप के प्रति आपकी श्रद्धा करनी चाहिए, मतलब वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाट एवर आवर पेरेंट्स हैव डन फॉर अस, वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना
ये श्रद्धा है, उसके बेस पर आप जो कुछ करेंगे तो श्रद्धा से किया गया काम। देश के प्रति श्रद्धा मतलब ये एक्सेप्ट करना ये सच्चाई को कि देश का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मतलब ये एक्सेप्ट करना कि ईश्वर का आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो तो श्रद्धा है। आस्था वो नहीं है। आस्था जी मेरा तो मानना है, मैं तो मानता यही मानता हूं, जबरदस्ती मानना, ब्लाइंडली मानना, बिना कुछ समझे, बिना अपने कॉमन सेंस को यूज किए, बिना अपने रीजनिंग फैकल्टी को यूज किए, जब आप अपने विजडम को लव कर देते हो, माइंड को, विजडम को, इंटेलेक्ट को पूरी तरह लग करके जो कुछ मानते हो वो आस्था हो जाती है। और जब तक आप इस तरह के विजडम को लग नहीं करोगे फिर वो आस्था रिलीजन में काम नहीं करेगा, क्योंकि रिलीजन के लिए आपको ब्लाइंडली बिलीव करना बहुत जरूरी है। फिर आप रिलीजियस नहीं हो सकते, फिर तो आप धार्मिक हो जाओगे, फिर आप धार्मिक हो जाओगे, फिर आप धर्म का पालन करने लग जाओगे। और दूसरे एस्पेक्ट है फियर, डर। डर किस बात की? मैं अगर पर्टिकुलर नदी में नहीं नहाया तो पाप मिलेगा, नहाने से पुण्य मिलेगा, ये लाभ है, ना नहाने से पाप मिलेगा। मैं पर्टिकुलर वे में पूजा पद्धति नहीं की तो पाप लगेगा, पाप का मतलब आगे मेरा बहुत कुछ नुकसान होने वाला। मैं एक पर्टिकुलर इंसान को भगवान ना मानू तो पाप लगेगा, मैं नर्क जाऊंगा, जैसे कि हमें सिखाया जाता है। इफ यू डोंट बिलीव दैट पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमन बीइंग एज गॉड और गॉड्स प्रोफेट और व्हाटएवर, देन यू हैव टू गो टू हेल, आपके लाइफ में कोई सुख नहीं होगा। ये जो डर, हर वो रिलीजियस पर्सन के अंदर वो डर बैठा है। ज्यादातर जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हैं वो इसीलिए नहीं करते हैं कि उनकी कोई श्रद्धा है, कोई सच को जान चुके हैं और सच के प्रति उनका लगाव हो चुका है, या वो प्रेम है, वो प्रेम ईश्वर से वो प्रेम करने लग गए, चीजों के साथ प्रेम करने लग गए, वो इसीलिए करते हैं कि उनको डर है। इवन रिलीजियस एस्पेक्ट से जब आप दान भी देते हैं, जब आप किसी को चैरिटी भी करते हैं, जैसे मंदिर के सामने लोग दान देते हैं पूजा पाठ के समय, आपको बताया जाता है कि अमुक दान करना, उस दान के पीछे उनके अंदर कोई काइंडनेस नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, कोई कंपैशन नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन डर है, क्योंकि ये रिलीजियसली प्रेस्क्राइब्ड है देना, मैं अगर ना दू तो पाप लगेगा इसीलिए देता हूं। तो मोस्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज वी डू बिकॉज ऑफ फियर एंड फेथ, ये दोनों बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस बनने के लिए। थर्ड जो फैक्टर है वो है होली मैन। होली मैन का क्या रोड है? होली मैन का अर्थ है कोई भी हर रिलीजन के जो मीडिएटर होते हैं, प्रभु और तुम्हारे बीच में, ईश्वर और तुम्हारे बीच में जो मिडल मैन है, वो पुरोहित हो, पंडित हो, बाबा हो, गुरु हो, आचार्य हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, फादर हो, पास्टर हो, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम हो सकते हैं, और अलग अलग रिलीजन में या फेथ में, बिलीफ सिस्टम में अलग अलग नाम हो सकते हैं, जो बताया जाता है कि तुम्हें अगर इस फील्ड में कुछ अचीव करना है उनके बिना नहीं हो सकता, तुम पूजा उनके बिना नहीं कर सकते, तुम ईश्वर भक्ति उनके बिना नहीं कर सकते, तुम ईश्वर उनके बिना पा नहीं सकते। लोग तो ये तक कहते हैं हमारे यहाँ, भाई गुरु के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा, इसीलिए गुरु सेकंड है, ईश्वर फर्स्ट है। फिर धीरे धीरे आपको वो सिखाएंगे कि देखो ईश्वर प्राप्ति तो लक्ष्य है, गुरु के बिना नहीं मिलेगा, इसीलिए गुरु की प्राप्ति की पहले कोशिश करो, गुरु को खुश रखने के लिए, गुरु और ईश्वर बराबर है। फिर कंक्लूजन आपको ये सिखाकर वो जरूर चले जाएंगे कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर तभी मिलेगा जब गुरु प्रसन्न हो, इसीलिए गुरु के लिए अपनी सब कुछ सैक्रिफाइस करो, सरेंडर करो,
जो भी ईश्वर की भक्ति के लिए बताया गया सब गुरु के लिए करो। मिडिल मैन आ गया। हर धर्म में ये मिडिल मैन बहुत जरूरी है, सॉरी हर धर्म में नहीं, हर रिलीजन में। रिलीजन में ये मिडिल मैन का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम होली मैन कहते हैं। वो पहले होली ओमैन कम मिला करते थे, आजकल होली ओमैन की भी कोई कमी नहीं है, तो आप कह सकते हैं होली पर्सन्स, मेल और फीमेल दोनों। अब बाजार में तो काफी होली ओमैन भी मिलते हैं, जो आपको, आप उनकी सेवा करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनके प्रति भक्ति करो, उनके लिए अपने आप को सौंप दो, अपनी पत्नी को, अपने पति को, बच्चों सब सौंप दो, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये होली मैन का बड़ा, अब किसी भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन के किसी भी सेक्ट में ये बड़ा जरूरी होता है कि आप होली मैन को के साथ कनेक्ट होते हो कि नहीं होते। तो रिलीजन का अगला जो एस्पेक्ट है वो है कि रिलीजन कभी ये अलाउ नहीं करता, कोई भी बिलीफ सिस्टम, पूजा पद्धति या मत मतांतर, ये आपको अलाउ नहीं करता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना पाप है, और क्वेश्चन बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको पूरा का पूरा होल फेथ करना पड़ेगा विदाउट एनी क्वेश्चन एंड डाउट। ये किसी भी रिलीजन के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी भी इवन आप अपने घर में भी देखते हैं, घर में कुछ ऐसे उठपटांग रिचुअल्स होते हैं शादी में, ब्याह में, या किसी संस्कार में, और आप कहते हैं ये सब बकवास है, तो आपके घर के ही जो बूढ़े बुजुर्ग, खास करके महिलाएं होंगे, वो टोकेंगे, देखो बेटा ये गलत है, नास्तिक हो, इस तरह के नहीं बोलते। क्यों जी? मुंह इधर करके बैठना है, मुंह इधर करके बैठना है, हाथ इधर उठाना है, नाक इधर रखना था, ये लोटे को इस तरफ नहीं इस तरफ रखना था। आपने कहा माता जी इसमें क्या रखा है? नहीं ये पाप लग जाएगा, समझते नहीं हो। क्या इसका लॉजिक बताओ? वो तुम पूछते हो। मोस्ट ऑफ रिलीजियस होली मैन और ओमैन नेवर लाइक टू बी क्वेश्चन। अगर छोटा सा बच्चा भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आजकल के जमाने में क्वेश्चन अब आंसर देना पड़ता है, तो उठपटांग जो भी आंसर वो देते हैं, और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछते हो गया आपका कल्याण, तो फिर वो आपके ऊपर इतना बरसेंगे, नास्तिक हो, पापी हो, अनर्थी हो, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हो, तुम तो पाश्चात्य का हो गए, पाश्चात्य संस्कृति से हो गए हो, तुम गुरुओं को, साधुओं को, सन्यासियों को प्रश्न पूछते हो। ये सिर्फ हमारे रिलीजन में है, ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी भी रिलीजन में सेम थिंग है। आप कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते किसी वर्जिन से कैसे कोई पैदा हो सकता है, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि किसी के मरने पर कैसे किसी को स्वर्ग मिलेगा, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ने से कैसे स्वर्ग मिलेगा, पर्टिकुलर नदी में नहा लेने से कैसे पाप छूट जाएंगे, ये पर्टिकुलर रिचुअल कर लेने से कैसे इंसान को हत्या करने का पाप भी छूट जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना ही है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप डाउट, रिलीजन में डाउट करना, क्वेश्चन करना पाप होता है, किसी भी रिलीजन के लिए ये जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट है रिलीजन का, द आइडिया दैट सर्टेन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन that we can manipulate God to do our bidding by practicing some particular religious activities such as praying, worshipping, japa, tapa, going temples, etc. And even some people claim that the effect of one's prayer caused illness to disappear. And people say that this is a miracle. ये एक another aspect है किसी भी धर्म का। वो क्या है कि आप अगर उस रिलीजियस वे में, जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजियस वे में आप कुछ पूजा पाठ, प्रेयर, जब भी जो भी आप करते हो, तो
तो आपके दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। सच बात तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो रिलीजियस हैं उनको ईश्वर से कोई प्रेम नहीं है, उनको किसी से कोई प्रेम नहीं है, उनको अपनी जो दो चार प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराना है। वो डरे हुए हैं अपने फ्यूचर से वो ठीक रहे, और जो काम नहीं बन रहा है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, बच्चा वो नहीं कर रहा है, या ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो, इन सब से बचने के लिए हम ईश्वर भक्ति करते हैं डर और आस्था के कारण। पर हमें ये बताया जाता है आप पट्टी ये करो तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब ऐसी पूजा करो, शनि की पूजा करो, अमुक करो, गाय को खिलाओ, अमुक खिलाओ, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। या आप बहुत सारे लोग आजकल तो कल सेंटर खुले हुए हैं प्रेयर्स करने का, कल सेंटर बहुत सारे रिलीजन में, और वो मल्टी बिलियंस का इंडस्ट्री है। क्या करना है आपको जी? आप कष्ट में हो, आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप इनको कॉल करिए, कहिए कि मेरे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए, फिर वो आपसे क्रेडिट नंबर वगैरह लेंगे, कितने दिन का कराना है, क्या करना है, क्रेडिट कार्ड से पैसा कट जाएगा, और आपके लिए वो कॉल सेंटर में प्रेयर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। और इसको देखा देखिए हमारे हिंदू धर्म में भी शुरू हो गया। पंडित लोग ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किस बात की? जप की, मृत्युंजय जप की, गायत्री जप की, अमुक पाठ की। जी मुझे ज्योतिष ने बताया 1 लाख गायत्री जप कराना है तभी मुझे ये मुक्ति मिलेगी, ये होगी, ठीक है जी। 11 ब्राह्मणों से करवाना है 7 दिन तक, ठीक है, वो आपको पकड़ा देता है जी, 2 लाख खर्चा होगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम अपना करवा देंगे, फल आपको अपने आप मिल जाएगा। पूजा पाठ, प्रेयर, जप, तप, इनसे दुखों का निवारण होता है, कष्ट दूर होते हैं, सुख आते हैं, ये जबरदस्ती सिखाया जाता है। और इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि हम ईश्वर को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ में माना जाता है जो कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहा है, जो हमारे लाइफ में दुख है ईश्वर गुस्से में कर रहा है, जो सुख है तो ईश्वर हम पर खुश है, ऐसा रिलीजन में मानना जरूरी है। एज ए रिलीजियस पर्सन यू हैव टू बिलीव कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ईश्वर के गुस्से के कारण है, और जो मेरे लाइफ में अच्छा है ईश्वर खुश होकर कर रहा है। तो फिर रिलीजन का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको ईश्वर को, जैसे नेताओं को कहते हैं ना रिश्वत खिला के मैनिपुलेट कर लेंगे, काम बन जाएगा, ऑफिसर को दे देंगे, रूल्स के हिसाब से तो नहीं बनता पर चिंता मत करो, मेरी जान पहचान है, वो म्युनिसिपैलिटी में, वहां पर एमसीडी में, गवर्नमेंट में, मंत्री में, इसके साथ ये है, वो लेगा 10 लाख लेगा, 20 लाख लेगा, इतना लेगा, उसको एक बिल्डिंग दे दो, उसको जमीन दे दो, वो काम बन जाए। होली मैन यही डिमांड करते हैं कि आपका दुख दूर हो जाएगा, आप ये करो, इतना जपो, इतना तपो, इतना प्रार्थना करो, इतना करो। और खाली इतना नहीं, लोग मिरेकल की भी दावा करते हैं, जो कि मोस्टली नॉन इंडियन रिलीजन ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशन से भारत में भी आया और भारत के लोग भी दावा करने लग गए। बाबा लोग, गुरु लोग भी आपको मिरेकल करते हैं जी, बीमार है, देखो मैंने उसको झाड़ फूंक के, पूजा करके, ये करके ठीक कर दिया, मिरेकल। ये जो मिरेकल मनाने वाले लोग जो ईश्वर के नाम पर करते हैं, ये मान के कि ईश्वर को हम मैनिपुलेट करते हैं। तो मतलब हर रिलीजन में कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंट है रिलीजियस लोगों में और रिलीजियस लीडर्स में कि ईश्वर या भगवान या गॉड, जो भी आप जिस नाम से भी अलग अलग रिलीजन में जानते हैं, वो मैनिपुलेट करने लायक है, वो बहुत परेशान है, दुखी है, उसको पैसे की जरूरत है, उसको वो डिप्रेशन में, उसकी तारीफों की जरूरत है, चिंता मत करो, मैं खूब तारीफ करूंगा, मतलब भक्ति करूंगा तो खुश हो जाएगा, काम कर लेगा, पैसे की कमी है, मैं वहां पैसा पहुंचा दूंगा, वो काम कर देगा, उसको फलों की कमी है, मैं केला चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा, तो उसको काम कर देगा, मैं उसको पर्टिकुलर खाना चढ़ाऊंगा, कर लेगा। तो ये रिलीजन का एक दूसरा एस्पेक्ट होता है।
रिलीजन का या जो फेथ है या जो मत मतांतर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ज्यादा एक्सटर्नली क्या करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। आप मन से इन चीजों को कितना फील करते हैं नहीं करते हैं ये मैटर नहीं करता। इवन हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी दे ऑल्सो डोंट केयर अबाउट व्हाट वी थिंक अबाउट दिस। बस करो बेटे, करना जरूरी है। जो भी मानना है मानो, नहीं करोगे पाप लगेगा। आप एक प्रॉपर वे में कपड़े पहनते हैं तो लोग कहेंगे जी देखो ये बड़ा धार्मिक है। आप माला बहुत सारे, जितना ज्यादा माला डालें उतना भक्त है। बहुत सारे लोग घूमते मिलते हैं, हर रिलीजन में मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन में, एक नया फेनोमेना है जिसको देखो ये अंदर छुपा करके माला चपचा चलता रहता है। मैंने तो देखा एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर है आजकल, तो वो भी इवन प्राइम मिनिस्टर का काम भी करते हैं, विदेश में भी जाते हैं, उनके हाथ चलता रहता है, जपते रहते हैं जपते रहते हैं। एक्सटर्नल एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने पर्टिकुलर वे में कपड़े पहना है तो कहते हैं बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पायजामा टाइप का, या कोई पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहना है, पर्टिकुलर टोपी पहनी है, पर्टिकुलर तिलक चंदन लगाया है, तो आप लगेंगे कि बड़ा रिलीजियस है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? जब आप एक्सटर्नल चीजों को मानने लगते हो कि ये रिलीजियस है, हिपोक्रेसी पैदा होती है। इवन जो अंदर से फील नहीं भी करता, क्योंकि लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने हुए हो, आपकी दाढ़ी अगर बड़े बड़े, जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशन में अगर आपके दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े हैं या आपने बिल्कुल सब मुंडवा रखा है, एक प्रॉपर वे में कपड़े पहनते हो, खड़ा हो पहनते हो, जितना आपकी हो तो आपकी कद बढ़ता जाएगा, बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा बड़ा तपस्वी होगा। होता क्या है, गलत लोग जो डिजर्व नहीं करते वो इन एक्सटर्नल एक्टिविटीज को दिखा करके बड़े बन जाते हैं, फेक करेंसी बाजार में चलने लग जाता है। और जो रियल है, जेन्युइन है, धर्म अंदर का विषय है, रिलीजन बाहर का विषय है, जहां एक्सटर्नल चीजों को ज्यादा इंपोर्टेंस मिलता है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कहते न लिंगम धर्म कारणम, मनुस्मृति का श्लोक है। धर्म में लिंग, लिंग मतलब जो साइंस से जो मार्क्स से, वो कभी भी धर्म का पहचान नहीं हो सकता। आपने क्या पहना है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के अपने बाल मुंडवाए हैं या नहीं मुंडवाए हैं, कौन सा तिलक चंदन लगा रखा है कि नहीं रखा है, आप किस तरह के दाढ़ी बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो, आपके बाल किस तरह के है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए धर्म में, क्योंकि धर्म आचरण का विषय है, चरित्र का विषय है, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं। मैं सच्चा बनूं इसमें दिखाने का कुछ है नहीं है, मैं ऑनेस्ट बनूं, मैं दूसरों को माफ करूं इसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं है, मैं मन को नियंत्रित करूं किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरा मन कितना नियंत्रित है, मेरे सेंसेस कितना कंट्रोल्ड है, मैं अपने गुस्सा पर कितना कंट्रोल पा रखा हूं, मेरी ईश्वर भक्ति कितनी प्रबल है, ईश्वर के साथ मेरा कनेक्शन तो प्राइवेट है। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या पति से प्यार करते हैं, क्या प्यार करने के लिए आप अपने पति या पत्नी को कहते हो चलो घर से बाहर चलो बाजार में प्यार करें, जब 100-250 लोग हो तभी आप झप्पी लेते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। पर रिलीजन में ईश्वर भक्ति दिखनी चाहिए, करते हो अंदर से नहीं करते हो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि पब्लिक आप जानती है कि नहीं, आप करते हो कि नहीं करते, सारा एक्सटर्नल होता है। धर्म तो ईश्वर को डराने का नाम नहीं है, आपके अंदर आपके हृदय में ये ईश्वर का भाव प्रकट हो, वो जो परमात्मा समस्त संसार का स्वामी है,
जिसमें सारे डाइवर्सिटी समाये हुए हैं, सारा संसार जिसमें समाये हुए हो, जो आपके अंदर भी है आपके बाहर भी है, आप इसको फील करने के लिए जो कुछ करते हो वो धर्म है। और धर्म क्या है? आचार परमो धर्म। धर्म इज ए वे ऑफ लिविंग, इज द रोल यू प्ले। जो आपका व्यवहार है वो धर्म है। धर्म वो नहीं जो आप दिखाना चाहते हो, धर्म वो है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना रिलीजियस है, पर अंदर भक्ति रखना, ईश्वर को प्राप्ति के लिए अपने हृदय में फील करना, चेष्टा करना, ये धार्मिकता है। प्रॉपर एक पर्टिकुलर वे में कपड़े पहनना ये रिलीजियस है, पर आप क्या पहनते हो नहीं पहनते हो, पर अगर वो साफ है, क्लीन है, आप हेल्दी है, तो वो धर्म है। तो धर्म आचरण का विषय है, अपने आप को खुद से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने नेशन से, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए जो व्यवहार है वो धर्म है। और धर्म अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का जो व्यवहार है वो धर्म है। रिलीजियन एक्सटर फियर और फेथ के बेस पर माइथोलॉजी को सहारा लेकर के अलग अलग तरह के कॉस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को लेकर के, और मोस्टली जो एक्सटर्नल साइंस हैं उनको लेकर के चलने वाला चीज होता है। आज हमने धर्म और रिलीजन के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है उनकी चर्चा की। लास्ट टाइम हमने धर्म क्या है चर्चा की थी, आज हमने रिलीजन क्या है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ धर्म क्या अंतर है उसको जानने की कोशिश की। अगले बार जानेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और कंक्लूजन कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आध्यात्मिकता। वो आध्यात्मिकता क्या चीज है, वो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, स्पिरिचुअल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पिरिचुअल बनने के लिए धर्म का कोई रोल है या रिलीजन का कोई रोल है या किसी का कोई रोल नहीं, ना सबका कुछ कुछ रोल है, इन सब चीजों को हम अगले बार समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।